चार दिन पहले हुई बारिश से इंद्री हलके के भादसो गांव की भट्टा कॉलोनी में जमा हुए पानी के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पानी के जमा होने से बीमारी फैलने का अंदेशा बन गया है। पीने के पाइप की लाइन टूटने से गंदा पानी आ रहा है जिसको पिया भी नहीं जा सकता। लोगों ने ग्राम सचिवालय तथा नजदीकी गाँव में रहने वालों के यहाँ शरण ले रखी है। गाँव वासी महिला रेखा व रेशमा ने आरोप लगाया कि चार दिन बीत जाने के बाद भी कोई राजनेता उनकी सुध नहीं लेने आया है। हलके के विधायक व मंत्री ने भी हमारे बारे में जानने की कोई कोशिश नहीं की है। इनका आरोप है कि ये नेता वोट लेने के लिए समय तो आ जाते हैं और घर घर जाते हैं, लेकिन इस मौके पर जब हम लोग मुसीबत में है तो हमारी सुध लेने कोई नहीं आता। प्रशासन ने नाम मात्र का राशन देकर अपना फर्ज निभा दिया है। यह राशन तो दो दिन भी नहीं चलता। इनका कहना है कि राशन भी सभी को एक समान नहीं मिला है, किसी को कुछ समान मिला है तो किसी को कुछ और। इनका कहना है कि गंदे पानी में कीड़े चलने शुरू हो गए हैं जिससे हमारे बच्चे बीमार हो गए हैं। पशुओं के लिए साल भर का इकट्ठा किया हुआ सारा चारा पानी में भीग गया और कई पशु मारे जा चुके हैं। बस्ती वालों का आरोप है कि यह गांव राज्यसभा सांसद राम कुमार ने गोद लिया हुआ है, लेकिन उसकी और कोई भी सहायता नहीं मिली है। हमारी गलियां जो कि पिछले 15 सालों से टूटी पड़ी है उसको आज तक ठीक नहीं किया गया है। पानी आता है जो उसमें जी कीड़े आने लग गए हैं जी। अब ये जो गंदा पानी बाहर से आया ये पानी उसमें मिल गया, जगह जगह से पाइप फूटी हुई थी। अब इस पानी को कैसे पिए जी? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये सारे बीमार हो गए हैं जी। अब हम कैसे रहें जी गंदे पानी में? अब ये यहाँ इंद्री के जो हल्के के विधायक हैं, इंद्री हल्के के जो करण देव कांबोज जी हैं जी, वोट मांगने तो आ जाते हैं। वैसे जी हमारे को यहाँ से कोई ना पूछने आता है, चाहे हमें मरे जिए चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ पे कोई देखने नहीं आता है जी। लेकिन जब वोट मांगने की जरूरत पड़ती है तब तो हमें घर घर सबके घर घर आते हैं, लेकिन वैसे कोई नहीं आता जी हमारे को पूछने के लिए। अब तीन दिन से हम इस पानी में पड़े हैं जी, हमारे बच्चे भी बीमार हो गए, हमारे पशु कुछ मर गए, कुछ रह रहे हैं, वो भी मर जाएंगे जब बीमार हो पड़े हैं। लेकिन अब तक कोई बीमारी सुध लेने के लिए यहाँ पे नहीं आया जी। तीन दिन हो गए, अब हम कैसे रहे जी यहाँ? अब जब हमारी कोई किसी को कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ कम से कम 50 परिवार है, 50 परिवारों में कम से कम 200 वोट है। अब यहाँ वोट लेने तो आ जाते हैं जी, क्यों आ जाते हैं? उनको शर्म नहीं आती वोट लेने आते हैं यहाँ भी, जब यहाँ से हमारा कुछ सुधार ही नहीं करवा सकते, क्यों आते हैं यहाँ वोट लेने के लिए? अगर यहाँ हमारी वोट चाहिए तो यहाँ पर हमारा सुधार भी करवाओ जी। ये मकान गिर गए हैं और जी हमारा ये इतना नुकसान हो गया, अनाज भीज गया, हमारे डंगर भी बीमार हो रहे हैं, ना माना कोई चिकित्सक कोई भी लाभ हो या अभी तक कोई प्रशासन ने हमारे लिए यहाँ से कोई सहायता नहीं भेजी है। और जी मरते इब लग भी सरकार ने कोई सुविधा नहीं दी है, भाई यहाँ पे आएंगे देखे कोई मरते यो देवा राशन पानी भी सिर्फ दो दिन का राशन भेज के दोबारा कोई नहीं आया जी। जीवन तो ऐसे चल रहा जी, अपना दुकानों पर लेकर मोल उधार उधर लेकर खा रहे हैं जी। और जी यो सरकार ने इबलग भी हमारा कुछ भी सुविधा नहीं दी है। पानी जी उस इंजन द्वारा निकलवा लग रहे बस्ती वाले सारे इकट्ठे हो गए और अब जाके सरपंच भी गेल खड़ो होया। अच्छा। हाँ सरपंच भी अब कड़वा रहा गेल लग के। अच्छा। हाँ और प्रशासन से तो कोई आया नहीं है, ना सरकार की तरफ से आया कोई। संसद ने हमारा गाँव है जी गोद लिया था, तो संसद के कर्मचारी है वो एक बार आके यहाँ पे एक बार तो फिर देख के फिर चले गए, लेकिन उसके बाद में उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। और जो राज्य सरकार है उन्होंने भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं किया। वोट लेने के वक्त पर तो वे आ जाते हैं और उसके बाद में आकर कोई नहीं देखता है जी यहाँ पे। राज्य सरकार से भी हमारी यही मांग है कि हमारी समस्याओं का हल करो, यहाँ पे गलियाँ बनाओ, हमारे मकान दो बना कर, जो हमारा नुकसान हो गया